दोस्तों 6 मार्च से शुक्र और शनि की जुगलबंदी होने वाली है, कम्बिनेशन बनने वाला है, युति बनने वाली है। ये दोनों मित्र ग्रह अब अपना पूरा जलवा दिखाने वाले हैं। शनिदेव जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और उनके साथ शुक्र भी जब आ जाते हैं तो धन दौलत की बरसात होती है। शुक्र ग्रह वैसे भी ऐश्वर्य के, धन दौलत के प्रतीक हैं, लग्जरी लाइफ के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, रोमांस के प्रतीक हैं। शुक्र को जहां रुपये पैसे और भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है, वहीं शनि कर्म का फल देने वाले ग्रह हैं। इन दोनों ग्रहों का कम्बिनेशन 5 राशियों के भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है, तिजोरी खोलने वाला है, कई मुरादें पूरी करने वाला है, इनकम के नए सोर्स डिवेलप करने वाला है। आज की मेरी पोस्ट इसी विषय पर है, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि उन भाग्यशाली 5 राशियों में आपकी राशि भी शामिल हो। सभी दर्शकों को मेरा गुरमीत बेदी का नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, शनिदेव इस समय अपनी ही कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2024 में पूरा साल इसी कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहते हुए शनिदेव बहुत पावरफुल हो जाते हैं। 6 मार्च को शुक्र ग्रह भी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में शनिदेव के साथ आ जाएंगे। इस तरह कुंभ राशि में शुक्र और शनि की बहुत शानदार जुगलबंदी होगी। शुक्र और शनि की इस जुगलबंदी से किन राशियों के लोगों को कैरियर में लाभ होगा और कारोबार में मालामाल होंगे, यही इस पोस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। और पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है, जो शुक्र की राशि है, शनि की मित्र राशि है। शुक्र शनि की युति से वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको कैरियर और कारोबार में अच्छी तरक्की मिलेगी। आपके जीवन में शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी। आपको नई नौकरी के आपको मौके मिल सकते हैं, प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा और कारोबारियों को मुनाफा भी अच्छा रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा और आपकी जो योजनाएं अटकी हुई थी, जो पाइपलाइन में थी, वो फिर से इंप्लीमेंट स्टेज पर आ जाएंगी। दूसरी भाग्यशाली राशि चंद्रमा की कर्क राशि है और देवगुरु बृहस्पति की ये उच्च राशि है। शुक्र और शनि की ये जो युति है, ये जो कम्बिनेशन है, ये जो युगलबंदी है, ये कर्क राशि के लोगों के लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत शानदार मानी जा रही है। आपको इसके प्रभाव से आपकी लव लाइफ बेहतर होगी, आप कैरियर में आप तरक्की करेंगे, कोई सीनियर आपकी मदद करेगा। ये बदलाव आपके जीवन में बहुत ही शुभ प्रभाव लेकर के आएगा। आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेटर होती जाएगी। जो लोग मीडिया जगत से जुड़े हैं उन्हें काफी मौके जो है वो आगे बढ़ने के मिलेंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि तुला राशि है, जो शुक्र की अपनी राशि है, शनि की ये उच्च राशि है, इसलिए तुला राशि वाले सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की जुगलबंदी से तुला राशि के लोगों को कैरियर में कई शानदार मौके मिलेंगे। आप एक लंबी उड़ान भरने वाले हैं। शुक्र शनि की ये युति जो है, ये धन में वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। आपको प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के यानी इंक्रीमेंट के योग बनने जा रहे हैं। कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया वाहन आप खरीद सकते हैं। आपको पिता से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी आपको, उसका भी लाभ मिलने वाला है। और चौथी भाग्यशाली राशि मकर राशि है, जो शनि की राशि है, शुक्र की मित्र राशि है। शनि और शुक्र की यह युगलबंदी मकर राशि वालों को जबरदस्त सफलता देने वाली है। आपको कैरियर में बेहतरीन मौके मिलेंगे, आप उन मौकों का फायदा उठाएंगे। और जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, वो तलाश अब पूरी हो सकती है। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पहले से बेटर होगी, आप अच्छी बचत करने में कामयाब रहेंगे, परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि कुंभ राशि है, जो शनिदेव की राशि है। कुंभ राशि में ही शनि और शुक्र का संगम होने जा रहा है। दोनों ग्रहों के इस कॉम्बिनेशन से कुंभ राशि के लोग मालामाल होने वाले हैं। कैरियर में शुभ प्रभाव बढ़ेगा, मनचाही जगह पर पोस्टिंग हो सकती है, बॉस के साथ आपके बहुत बेहतर संबंध बनेंगे, आपको इसका लाभ भी मिलेगा। जीवन साथी के साथ आपका और तालमेल जो है वो बढ़ेगा, कुछ अच्छे फैसले आप दोनों मिलकर ले सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, मानसिक सुकून मिलेगा। और आप विदेश जाने की अगर फाइल लगाई है तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए
मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।